हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंधी कढ़ाई का ये बड़ा नमूना कैसे बनाया जाता है वो बताने जा रहे हैं। इसके लिए सुई में धागा हमने डाल लिया है। उसके बाद एक कोने पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में आप देखेंगे अभी कितना आसान लगेगा। हम सबसे पहले इसका एक जाल बनाएंगे, उसके बाद फिर जाल को कैसे करना है वो बताएंगे। ज़्यादातर ये जो बड़ा नमूना है ये चादर वगैरह में या सूट्स में यूज़ होता है। जो हम आपको काट के दिखा रहे हैं ये एक चादर है। ये धागा दोनों तरफ से दबा है, यहाँ पर ये धागा इस तरफ से उठा है, तो अब हमें आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दबा हुआ है, हमें इसके भी नीचे से निकालना है। फिर हम लोग इधर जाएंगे, यहाँ पर ऐसे फिर इसके नीचे से निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम छोटा सा एक कपड़ा लेंगे। अगली बार हम लोग इस तरफ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जाएंगे ये वाला टॉप पे, इस जगह से हम थोड़ा सा कपड़ा अपनी सुई में लेंगे। यहाँ पर से यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा एक बार अगर आपका जाल सही बन गया तो बहुत आसानी से आप इसको भर भी सकते हैं। जाल में अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर मुश्किल हो जाता है भरना। तो जाल बहुत इम्पोर्टेंट है, भरना तो फिर आसान हो जाता है। अब इसके नीचे से लेंगे, अगर आप नए हैं सिंधी कढ़ाई में तो ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है, वरना अगर आपने हमारे बेसिक वीडियोस देखे हुए हैं तो भरना तो वैसे ही होगा, बस जाल मेन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस धागे के नीचे से लिया हुआ है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा लेंगे अपने सुई पे, इसके जस्ट ऊपर से चले जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा लेंगे, Thank you.
इसके नीचे से लेंगे, सुई को इस धागे के नीचे से लेंगे। यहाँ से इसको लेंगे थोड़ा सा कपड़ा, फिर यहाँ पर से ये थोड़ा कपड़ा लेंगे हम, सुधार दिया है। उसके बाद इधर से ये धागा, ये वाला धागा इधर से दबा है, फिर ये इस जगह से उठेगा, यहाँ से दबेगा और यहाँ से उठाना है। मीन्स हम इसके नीचे से अब अपनी सुई निकालेंगे, फिर यहाँ से थोड़ा सा लेंगे। अब इसके भी हम नीचे से अपना सुई निकालेंगे, फिर यहाँ से लेंगे थोड़ा सा और इसके भी नीचे से निकालेंगे। अब इस कोने में जाएंगे, इसके भी नीचे से हम अपना, इस धागे के नीचे से अपनी सुई निकालेंगे। यहाँ से लेंगे थोड़ा सा कपड़ा, और इसके ऊपर से ले जाएंगे, और इस वाले जो धागा ये लास्ट का है इसके नीचे से निकालेंगे। यहाँ से नीचे ले जाएं। अब ये आधा बना है। इसके बाद हम लोग फिर से इस जगह से अपने सुई को बाहर लाएंगे, इस फिर ले जाकर इस वाले धागे के, ये दिख रहा है आपको, इस वाले धागे के नीचे से निकालेंगे। क्योंकि ये वाला धागा आप देख रहे हैं इधर से भी फ्री है, इधर से भी फ्री है, इसलिए इसको हमें दबाना था। ये धागा जो है ये इधर से भी दबा था, इधर से भी दबा था, इसलिए इसके हम नीचे से निकालेंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा लेंगे, इस धागे के नीचे से, क्योंकि ये देखिए ये वाला धागा जस्ट पहले दबा हुआ है, तो अब हम इसे उठाएंगे, इसके नीचे से धागा निकालेंगे। फिर ये यहाँ से लेंगे, इसके नीचे से, फिर इसके नीचे से लेंगे, धागे के नीचे से निकालेंगे, यहाँ पर जाएंगे, कोने पर, अब आप देख रहे हैं ये धागा दोनों तरफ से दबा है, यानी हम इसके नीचे से सुई निकालेंगे और ये जो जस्ट बाद वाला है ये उठा है, तो हम इसे दबा देंगे और यहाँ से अपना थोड़ा सा कपड़ा सुई पर निकालेंगे। फिर ये धागा दोनों तरफ से दबा हुआ है, तो
इसके भी नीचे से ही निकालेंगे। यहाँ से थोड़ा सा लेंगे, अब हम इसके नीचे से सुई निकालेंगे और ये धागा दोनों तरफ से फ्री हो रहा है, इसे हम दबाते हुए इस तरफ को जाएंगे। अब ये धागा यहाँ से फ्री है तो बीच से दबेगा और यहाँ से भी फ्री होना चाहिए, यानी इसके नीचे से हम अपना धागा निकालेंगे। फिर इसी पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा कपड़ा ले लेंगे, इसके भी नीचे से हमको अपना निकालना पड़ेगा सुई, इस पॉइंट पे निकालेंगे, इसमें भी हम नीचे से अपना सुई निकालेंगे और ये धागे के थर्ड वाला जो धागा है इसके भी नीचे से निकालेंगे। इसके हम नीचे से धागा निकालेंगे थोड़ा सा, इसके नीचे से निकालेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए हम लोग अपना ये वाला पत्ती बनाएंगे, ये वाली पेटल को हम बनाएंगे। इस धागे के नीचे से निकालेंगे। अपने माइंड में एक बात ये बैठानी चाहिए कि जितने धागे अगर आपको दबे हुए दिख रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेप में उसे हमें उसके नीचे से हमें धागा निकालना हो, और जितने धागे दोनों तरफ से फ्री होते हैं, जैसे ये धागा दोनों तरफ से दबा है तो हम इसके नीचे से निकालेंगे और ये धागा जो दोनों तरफ से फ्री है इसको हम नीचे दबा देंगे। यही बेसिक रूल है सिंधी कढ़ाई, और फिर इसके नीचे से निकालेंगे। ये देखिए ये दबा है इधर से, ये वाला उठा हुआ है, यहाँ से दबाए तो यहाँ से भी अब उठेगा, यानी इसके नीचे से हम ये धागा निकालेंगे। फिर इसके नीचे से निकालेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग कपड़ा लेंगे और फिर इसी के नीचे से निकालते हुए यहाँ पर से थोड़ा कपड़ा लेंगे, ये देखिए हमने इधर से निकाला है। अब फट से इसके नीचे से, ये वाले के नीचे से निकालेंगे, इस कोने में जाएंगे, ये वाली अभी पत्ती हमारी बची है इसे भी फट बनाएंगे। इस वाले धागे के सेकंड वाले के नीचे से निकालते हुए यहाँ से ये धागा दबा हुआ है और बचा है लास्ट में ये धागा, जो हम यहाँ पर अपना धागा इसके नीचे निकाल देंगे। ये हमारा जाल रेडी हो गया है, अब हम इसे भरना स्टार्ट करेंगे। भरने के लिए जहाँ से हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था अपना जाल बनाना, वहीं से हम अपनी सुई बाहर निकालते हैं, से खींच लेते हैं, फिर ये वाले धागे जस्ट उसके जो बाद है इसी के नीचे से निकालते हैं, यहाँ पर इसके नीचे से निकालते हैं, फिर अगेन यहाँ से, इधर से इसके नीचे से। भरना वैसे ही है जैसे
पहले हम लोग भरते थे छोटे फूलों को, पहले के वीडियो में आपने शायद देखा हो, भरने का ढंग वैसा ही है। पहले आधा भरेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में भरेगा। और तीसरा तीसरा ये जो नीचे दबा हुआ रहता है, आप इसे किसी भी धागे से बना सकते हैं। हम इसमें सिंपल जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड आता है कॉटन का, वो यूज़ कर रहे हैं। जो हमने चार प्लाइज ली हैं, चार धागे लिए हैं स्ट्रैंड्स के। पहला और तीसरा दोनों हर बार जब हम एक पेटल को पूरा करेंगे तो पहला और तीसरा ही अब जहां पे आपका जैसे ये धागा खत्म हो रहा है वहां पर हम इसे धागे को नीचे ले जाएंगे और नीचे गांठ लगा देंगे। अब जिस होल पे हमने धागा खत्म होते टाइम नीचे डाला था उसी होल से हम दोबारा सुई में धागा डाल के निकाल लेते हैं और फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। Thank you.
यहाँ पे इसके नीचे से निकालेंगे, ये फर्स्ट थ्रेड दिख रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड अगर एक बार आपका सही से जाल बना है तो आपको भरते में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगभग ढंग वही है, हर इसमें छोटे छोटे से फूल जैसी यूनिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक एक यूनिट को भरना है। पहले ये सारी यूनिट्स आधी आधी भरती हैं, उसके बाद वो कंप्लीट होती है। फर्स्ट एंड दिस वन इज थर्ड। Thank you.
उठा लिया है हमने अपने सिर पे, अब ये थर्ड जो था नीचे दबा होता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट एंड यहाँ से फर्स्ट और थर्ड वाला थोड़ा सा दबा हो रहता है, इसे आपको अपने अंदाज से निकालना पड़ेगा। ये जो ये वाली है इसके नीचे से निकालते हुए जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से हम अपने से नीचे कर लेते हैं। अभी देखिए ये आधा दब भरा है, अभी पूरा ये भरा नहीं है। पूरा भरने के लिए फिर से हम सुई जो है इस जगह पे निकालेंगे, और तीसरा उठा लिया है। फिर यहाँ से इसको उठाएंगे, ये वाला था आपका, फिर पहला ये दबा हुआ है यहाँ पे, दूसरा इसके बीच में हमें इसके नीचे जाएंगे बगल में, आप देखेंगे इस वाले लाइन में धीरे धीरे सारे फ्लावर्स कंप्लीट होते जाएंगे। फिर तीसरा भी लेंगे, फिर इसके नीचे से निकालेंगे, यहाँ इसके नीचे से निकालेंगे, फिर पहला और तीसरा अगेन, मेरा तीसरा, फिर यहाँ से पहला और तीसरा, यहाँ पर पहला और ये तीसरा, ऐसे ही ये कंप्लीट भरता हुआ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ये फ्लावर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब बस हम ऐसे ही सर्कल में घूमेंगे, लास्ट में ये वाला फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा। Thank you.
लेके इसका निकाल लेते हैं। ये देखिए इधर के सारे फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से जाता है। ये देखिए ये सब कंप्लीट हो गए हैं और हम लगभग एंड पे पहुंच गए हैं। फिर हम यहाँ से थोड़ा सा धागा जो नीचे दिख रहा है उसमें से नीचे से निकालेंगे और यहाँ से लेंगे। फिर पहला धागा, ये रहा पहला धागा और ये रहा दूसरा धागा। यहाँ से हमने अपनी सेकेंड रो स्टार्ट की थी और यहीं पर हम लोग फाइनली अपना धागा नीचे खींचे। नीचे देखिए इस चंका आता है, नीचे जाकर बस हम इसे नॉट कर लेंगे।